वीडियो किस टाइम पे अपलोड कर रहे हो, ये बहुत बड़ा मायने रखता है कि आपका वीडियो वायरल होगा या नहीं होगा। जी हाँ, क्या सच्ची में एक स्पेसिफिक टाइम पे वीडियो अपलोड करने से वीडियो वायरल जाती है? अगर जाती है तो कौन से टाइम पे अपलोड करने से जाती है? और चाहे आपका शॉर्ट चैनल हो या लॉन्ग चैनल हो, आपके लिए बेस्ट टाइम कौन सा है, यहाँ से लेकर हर कैटेगरी की सबसे बेस्ट टाइम भी ये वीडियो में बताने वाला हूँ, जो अभी तक किसने नहीं बताया। सो विदाउट एनी डिले गुरु जी आ जाओ इंट्रो देने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस मैं जानता हूँ ये वीडियो देखने के पहले आपने ऑलरेडी यही टॉपिक पे ऑलरेडी काफी वीडियो देखे हैं, और ज्यादातर हर क्रिएटर यही कहता है इवनिंग को 6 to 9 PM में ही वीडियो अपलोड करो, क्योंकि तब ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस ऑनलाइन होती है, तो आपके वीडियो को भर भर के व्यूज आएंगे। लेकिन गाइज ये रीजन की वजह से लगभग मोस्ट ऑफ द क्रिएटर यही टाइम पे वीडियो अपलोड करते हैं। अब ये केस में गाइज बड़े क्रिएटर जो है ये टाइम पे वीडियो अपलोड करते हैं, जिनके काफी अच्छे व्यूज आते हैं, बिकॉज उनके पास इनिशियल बूस्ट देने के लिए उनके पास ऑलरेडी ऑडियंस है। पर मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके पास तो ज्यादा ऑडियंस ही नहीं है, या कुछ का तो न्यू चैनल है, तो डू यू रियली थिंक आपकी वीडियो यूट्यूब सजेस्ट करेगा? द प्रोबेबली आंसर इज नो, बिकॉज अगर आपके पास ऑडियंस ही नहीं इनिशियल बूस्ट देने के लिए, तो यूट्यूब आपके वीडियो को सजेस्ट ही कैसे करेगा, जबकि वो टाइम पे ऑलरेडी इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है, क्योंकि सारे लोग वही टाइम पे ज्यादातर वीडियो अपलोड करते हैं। सो एक प्रोबेबली बोल सकते कि आपकी वीडियो सजेस्ट होने के चांसेस इवनिंग के टाइम थोड़ा और कम होता है, अनलेस एंड अनटिल अगर आपके पास एक ऑडियंस है या थोड़ी बहुत आपकी वीडियो को इनिशियल बूस्ट मिल जाता है, दैट्स अनदर पार्ट ऑफ द गेम। बट बिल्कुल ऑडियंस नहीं है तो आपका वीडियो वो टाइम पे सजेस्ट होना आई थिंक सो प्रोबेबिलिटी काफी कम है। सो इसलिए बहुत बड़ा मिथ है कि जब ज्यादा ऑडियंस होती है तभी आपको वीडियो अपलोड करना चाहिए। हमें तो वीडियो कब अपलोड करें ये बताना। तो गाइस आपके लिए बेस्ट टाइम ढूंढने के लिए सिंपली आपको एनालिटिक्स में आना है, और यहाँ ऑडियंस के सेक्शन में आपको ये ग्राफ दिख जाएगा। अब इसमें आपकी ऑडियंस कब ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन होती है वो आपको दिख जाएगा। जैसे जितने ज्यादा डार्क लाइन होगी वो टाइम पे आपकी ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होती है, तो सिंपली आपको वही टाइम पे वीडियो अपलोड करना है। फॉर एग्जांपल मेरी ऑडियंस 12 to 4 PM में एंड 7 to 9 PM में ज्यादा एक्टिव होती है, तो मेरे लिए ये टाइम स्लॉट बेस्ट है वीडियो अपलोड करने के लिए। ये तो बता, तो हर वीडियो 2:11, 4:11 and 7:11 PM पे ही क्यों अपलोड करता है? अबे तो क्यों आने लगा मेरे वीडियो में फिर से? मैं जाने के बाद तेरे व्यूज देख कैसे डाउन हो जाते हैं? अरे अरे सिंचन भाई, आपका ही तो चैनल है, आते रहो, थोड़ा सा वायरल करा दो मेरे वीडियो। तो गाइज आपने भी गौर किया होगा मेरे चैनल के नेम में भी 11 आता है, और मैं वीडियो भी हर बार 11 मिनट्स पे अपलोड करता हूँ। इसके पीछे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो वीडियो के एंड में बताऊंगा ही। लेकिन ये जो ग्राफ है आपको इसको देख के ही वीडियो अपलोड हर बार नहीं करना है, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है लगभग हर एक का ग्राफ ही ऐसा ही दिखता है। आई डोंट नो यूट्यूब का ग्लीच है या क्या है, लेकिन मैंने काफी बार नोटिस किया है काफी लोगों का जो ग्राफ है लगभग सेम ही होता है। तो हर कैटेगरी वाइज बेस्ट टाइम डिस्कस करते हैं जो अब तक किसी ने नहीं बताया। इस बात पे एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और हाँ गाइज आप सबको दिल से बड़ा वाला शुक्रिया था, आपने मेरे एडिटिंग पैक में इतना ज्यादा प्यार दिखाया कि बता नहीं सकता, वो देख के मुझे काफी अच्छा लगा। तो इस बात पे आपके लिए है डबल धमाका ऑफर। गाइज मैं आपके लिए फ्री में चैनल रिव्यू एंड कंसल्टिंग करूंगा जिन्होंने ऑलरेडी एडिटिंग पैक परचेस किया हुआ है, और जो भी अभी एडिटिंग पैक परचेस करेंगे उनमें से कोई 10 लक्की विनर को मेरे तरफ से फ्री चैनल रिव्यू एंड ग्रोथ स्ट्रेटेजी मिलेगी। सो आप भी वो लक्की विनर बन सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पैक परचेस जरूर करना, एडिटिंग भी तो इम्प्रूव होने ही वाली है, साथ में आप भी वो लक्की विनर बन सकते हो। सो बैक टू द टॉपिक, ये 3 कैटेगरी में मैंने टाइम स्लॉट डिवाइड किए है। कैटेगरी 1, अगर आपका चैनल ये कैटेगरी में से आता है तो आपको मॉर्निंग में 7 to 10 AM के बीच में ही वीडियो अपलोड करना है, चाहे आप ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाते हो या न्यूज चैनल है। सो ऐसे टाइम पे आप जितने जल्दी वीडियो अपलोड करते हो उतने ज्यादा चांसेस होती है आपकी वीडियो की रीच ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक जाने के लिए हेल्प होती है। एंड एज कंसर्न टू ब्लॉगिंग, गाइस मैंने सौरव जोशी की जो पॉडकास्ट होती है उसमें मैंने सुना है उनकी जो ऑडियंस है वो ज्यादातर उनकी वीडियो ब्रेकफास्ट करते टाइम देखना पसंद करती है। इसका मतलब है कि जो भी गाइस ब्लॉग वगैरह बनाते हैं उनको मॉर्निंग टाइम वीडियो अपलोड करना चाहिए, क्योंकि कुछ तो रीजन है, इसीलिए तो सौरव जोशी भी ज्यादातर मॉर्निंग को वीडियो अपलोड करता है। तो आप भी ये टाइम पे वीडियो अपलोड करके देख सकते हो। कैटेगरी 2, अगर आपके चैनल ये कैटेगरी में आता है तो आपको आफ्टरनून 12 to 4 PM में ही वीडियो अपलोड करना चाहिए, क्योंकि काफी फीमेल्स होती है जो अपने काम से वगैरह आफ्टरनून में कुछ टाइम के लिए फ्री हो जाती है, तो आपके लिए आइडियल टाइम है। बाकी जो भी फीमेल मतलब गर्ल्स आंटी से लेकर दादी दीदी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके बताओ कि आप भी ये टाइम पे ज्यादातर एक्टिव होते हो यूट्यूब पे और वीडियोज वगैरह देखते हो या नहीं। कैटेगरी 3, अगर आपका चैनल भी ये कैटेगरी में आता है तो आपको भी 6 to 9 PM में ही वीडियो अपलोड करना चाहिए,
क्योंकि ये सारी नीश की जो ऑडियंस है ज़्यादातर ये टाइम पे सुपर एक्टिव होती है। लेकिन एज यूजुअल जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, ये टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटर वीडियो अपलोड करते हैं। सो अगर आपका न्यू चैनल होगा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखो, कुछ दो तीन वीडियो आप आफ्टरनून में या कुछ दो तीन वीडियो इवनिंग में या कुछ दो तीन वीडियो मॉर्निंग में अपलोड करके देख सकते हो, जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट टाइम है, कौन से टाइम पे वीडियो अपलोड करने के बाद आपको अच्छे व्यूज आते हैं। बाकी अगर ये YouTube का ग्राफ हम अच्छे से देखें तो यहाँ नीचे साफ साफ YouTube ने ही लिखा है कि वीडियो अपलोडिंग जो टाइम है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। सो अगर आपको बेस्ट टाइम नहीं मिल पा रहा है तो इसके पीछे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, बट डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं बेस्ट अपलोडिंग टाइम मैटर जरूर करता है। ऑल राइट, मैं कौन से टाइम पे वीडियो अपलोड करता हूँ, मेरे लिए वेस्ट टाइम कौन सा है वो बताने से पहले, उसके पहले वीडियो अपलोडिंग के रिगार्डिंग मनोज दे की ये वाली क्लिप एकदम ध्यान से सुनना। सबसे अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं और उसके बाद आपकी वीडियो एकदम अच्छी रैंक करती है स्टार्टिंग से ही, तो आपकी वीडियो की रीच काफी ज्यादा बढ़ा देती है और ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ये टॉप 10 रैंकिंग का और आपकी वीडियो वायरल जाने का या अच्छे व्यूज लाने का दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि गाइस जैसे आप वीडियो अपलोड करते हो आपकी वीडियो YouTube फीड में जाने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं, आपके एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी अच्छा है, तो ऑब्वियसली YouTube आपकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचाएगी, आपकी रीच ज्यादा, आपकी वीडियो की वो रीच बढ़ेगी और आपकी वीडियो ऑब्वियसली वायरल तो जाएगी। लेकिन इसका वीडियो अपलोडिंग टाइम से एंड रैंकिंग से दूर दूर तक लेना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप रात के 3 बजे वीडियो अपलोड कर रहे हो जब ज्यादातर ऑडियंस तो सोई होती है, ऐसे टाइम पे YouTube आपकी वीडियो के इंप्रेशन तो भेजेगा ही नहीं क्योंकि लोग तो तब सो रहे हैं, पर जैसे लोग उठेंगे और वो YouTube ओपन करेंगे और आपकी वीडियो उनके फीड में जाएगी, अगर वो आपके वीडियो पे क्लिक करते तो डेफिनेटली CTR बढ़ेगा और CTR बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपकी वीडियो की रीच तो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक जाने वाली है। लेकिन आपने तो रात को 3 बजे वीडियो अपलोड की थी, तब तो आपकी वीडियो की रैंकिंग वो टॉप 10 वीडियो के हिसाब से एकदम 10 नंबर पे होनी चाहिए, पर जैसे ऑडियंस आपकी वीडियो देखेगी तो आपकी रैंकिंग एकदम से ऊपर आ जाएगी। तो रैंकिंग का और वीडियो वायरल जाने का दूर दूर तक बिल्कुल लेना देना नहीं होता, इसलिए जो भी बड़े क्रिएटर अपने वीडियो में बताते हैं वो सारी चीजें एब्सोल्युटली राइट होता है, ऐसे नहीं होता। तो ये बात बता कि मुझे किसी को रोस्ट करना या गलती निकालने का मकसद बिल्कुल नहीं है, ये है आम जिंदगी। मैं हमेशा ज्यादा से ज्यादा यही ट्राई करता हूँ, मेरा मोटिव भी यही होता है कि आपके पास रियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही पहुंच पाए, जिससे आप सही से नॉलेज गैदर करके आप यूट्यूब पे अच्छा ग्रो कर पाओ। बाकी मेरे लिए बेस्ट टाइम कौन सा है, मैं कौन से टाइम पे वीडियो अपलोड करता हूँ, तो मैं जनरली 7:11 पे 7 मिनट पे या 11:11 AM पे ही वीडियो अपलोड करता हूँ। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि देखो 11 नंबर मेरे लिए काफी ज्यादा लक्की है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो मैं Q&A वीडियो में ही बताऊंगा। सो गाइस जल्दी से जल्दी 50K करा दो, तभी मैं Q&A वीडियो बनाने वाला हूँ, तब मैं 11 की जो मिस्ट्री है ना, जो मेरे चैनल के नाम में भी 11 आता है, इसके पीछे की एक्चुअल में मिस्ट्री क्या है वो वीडियो में बताऊंगा तब। बाकी आपको वीडियो अपलोड करने का सही तरीका नहीं बताया तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, इसीलिए अगर वो जानना है तो क्लिक करो लेफ्ट वाली वीडियो पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।